चलिए तो बच्चों आ जाओ स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन। ये हमारा जेएचएल का सेकंड चैप्टर है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम के लिए। यस बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था तो इसमें हमने पढ़ा था प्रियम्बल। क्या पढ़ा था बच्चों? प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल एक्चुअल में क्या है? लॉ में कहीं भी कंफ्यूजन होती है, लॉ में कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो बच्चों उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें हमेशा प्रैम्बल में देखना चाहिए। इस प्रैम्बल का बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि प्रैम्बल में क्या है। प्रैम्बल में ये लिखा है कि यस वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पे सबको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था बच्चों का 26 नवंबर 1949 में, और फाइनली 50 में ये आया था, 1950 में आया था। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये क्या हमारा प्रैम्बल, इस प्रैम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बच्चों उसमें बहुत सारे केसेस थे। लैंडमार्क केस हमारा था केशनव भारती केस। ठीक है, तो क्या प्रैम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन बनता है। तो यस, केशनव भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में हमारा ये केस हुआ था। फाइनली फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि यस प्रैम्बल प्रैम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रैम्बल पार्ट ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है इस प्रैम्बल का, क्योंकि कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्रैम्बल में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रैम्बल अमेंड हो सकता है? क्या प्रैम्बल अमेंड हो सकता है? बच्चों सेम केस, केशनन भारती केस से कंक्लूजन आया था, फाइनल कंक्लूजन जो ये येलो कलर का हाईलाइटर है उसे रीड करो। प्रैम्बल बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है? हाँ बदला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप नहीं बदल सकते। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रैम्बल? यस पार्ट है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रैम्बल है उसको बदल सकते हैं? तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है तो प्रैम्बल तो उसका पार्ट है, उसे तो बदल ही सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर तो नहीं बदलते, ऐसे ही प्रैम्बल का भी बेसिक फीचर नहीं बदला जाएगा। ये था इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा था बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर। हमने कहा भैया दो टाइप के स्ट्रक्चर है, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। फेडरल से मतलब क्या बच्चों? ड्यूअल ड्यूअल। यूनिटरी से मतलब क्या बच्चों? सिंगल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अथॉरिटी ड्यूअल है। हम देखते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी आ जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, सॉरी ये है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये ड्यूअल अथॉरिटी दे रखी है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। जुडिशरी एकदम डिफरेंट है बच्चों। देन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम रिटन और बहुत स्ट्रिक्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सिंगल यूनिटरी फीचर्स, उन्होंने बताया कि भैया हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ये क्या बात हुई? हमने अमेरिका का एग्जाम्पल लिया था बच्चों, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप चलती है, स्टेट का अलग देते हैं, कंट्री का अलग देते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं। अब जब इमरजेंसी पावर आती है तो बच्चों सिंगल सिंगल हो जाता है यहाँ पे अथॉरिटी। हमने अभी पढ़ा भैया यहाँ ड्यूअल अथॉरिटी होती है, तो भैया यहाँ ड्यूअल अथॉरिटी है, फिर ये क्यों बोल रहे हैं इमरजेंसी पावर? इमरजेंसी पावर में ये ड्यूअल अथॉरिटी सिंगल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है ना कवरेज है। एक्चुअली हमने लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, ये तीन लिस्ट हम आगे चलकर देखेंगे। तो जब आपको पता चलेगा लिस्ट वन में कौन कौन से मैटर है, तो भैया सारे इंपॉर्टेंट मैटर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही गए। रेसिडरी पावर भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। रेसिडरी पावर कुछ याद आया बच्चों? रेसिडरी पावर थोड़ा बहुत याद आया, बताओ बताओ रेसिडरी पावर। भूल जी गए मतलब कि बच्चे लोग? वो लिस्ट में, वो लिस्ट वाली जो आखिरी में एक वो लास्ट में करेक्ट एक करेक्ट वो करेक्ट, वाला ना। वेरी गुड, सही जा रहे हो बच्चों। आइटम नंबर 97, लिस्ट वन में 97 को ब्लैंक छोड़ के रखा है। ब्लैंक का मतलब क्या है कि भाई देखो कोई भी नया मैटर आएगा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, तो इसीलिए इसीलिए ये यूनिटरी फीचर्स में है। हम पढ़ रहे हैं हमारे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो ड्यूअल है, यूनिटरी। बच्चों हम दोनों का मिक्स है। हमने कहा वैसे तो हमने फेडरल बनाया है, लेकिन जब भी सिचुएशन आती है तो हम यूनिटरी में आ जाते हैं। तो ये फीचर्स बता रहे हैं यूनिटरी के। तो भैया रजिस्ट्री पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर की पावर ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये बता रहे। सिंगल सिंगल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, येलो कलर का हाईलाइटर हिट करो, इट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब से अगर आपसे पूछा जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बोलना नाइदर पूरे सम फेडरल है और नाइदर
प्योरली हम यूनिटरी है, ना तो हम पूरे फेडरल है ना तो हम यूनिटरी है, हम दोनों का मिक्स है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में था एवर नोवल एंड यूनिक फीचर ऑफ द यूनिटरी। आपसे पूछा जाएगा क्या है आपका स्ट्रक्चर, हम बोलेंगे हम बेसिकली तो फेडरल है, बेसिकली तो फेडरल है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में हम यूनिटरी फीचर्स का रूप ले लेते हैं। ठीक, चलिए। अब बच्चों आर्टिकल नंबर 12 से हमने स्टार्ट किया था, आपके सिलेबस में 12 से दे रखा है। आर्टिकल नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेट की डेफिनेशन बताता है। व्हाट डू मीन बाय स्टेट? स्टेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं बच्चों गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से मतलब कि ये सेंट्रल लेवल, सेंट्रल सरकार की बात कर रहे हैं। लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ये पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा है। तो स्टेट की डेफिनेशन बहुत वाइडर है। स्टेट की डेफिनेशन में हमारी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट, पूरी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी कवर हो जाता है। और बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल बॉडी, अदर बॉडीज जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब आउटसाइड इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट के सॉरी इंडिया के बाहर जहां पर भी हमारी सरकार का कंट्रोल है वहां भी वो सब एरिया हमारे स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, चले। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अजय हास्या एक केस था, जिस केस का कंक्लूजन निकाला कि भैया कोई भी कॉर्पोरेशन क्या स्टेट के डेफिनेशन में आएगी। इन्होंने कहा कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन स्टेट के डेफिनेशन में तब आएगी जो अजय हास्या का एक लैंडमार्क केस है, उससे कुछ पॉइंट्स निकल के आए, उसमें से अगर कोई भी पॉइंट अगर हिट होता है तो हम मान लेंगे कि वो कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में है। वापस हमने अभी स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी, स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। अजय हास्या के केस से एक्चुअली में आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगा। स्टेट की डेफिनेशन मतलब बच्चों सरकार, सरकारी, तो कौन सी कंपनी सरकारी कहलाई जाएगी। उन्होंने कहा अगर किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने ले रखे एंटायर पूरे, तो यस वो कॉर्पोरेशन स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट वेदर द पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन ट्रीटेड एज अ स्टेट। पहला टेस्ट क्या बच्चों, अगर सारे शेयर कैपिटल सरकार ने ले रखे तो यस वो स्टेट है। अगर मोनोपोली स्टेटस है, कोई भी कंपनी मोनोपोली स्टेटस में आ गई तो सरकार उसे अपने कंट्रोल में लेगा। अगर पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, पूरा खर्चा एक्सपेंडिचर है ना पूरा सरकार उठा रही है, तो यस वो क्या हो जाएगा, स्टेट की डेफिनेशन है। अगर डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारी सरकार देती है, तो बच्चों बहुत ही अंदर से वो कंट्रोल करता है, सरकार की स्टेट की डेफिनेशन है। पब्लिक इंपॉर्टेंस बच्चों, कंपनी जो काम कर रही है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस नेचर का है, तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया आज से तुम स्टेट की डेफिनेशन में करो, तुम भी सरकारी। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार ने अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया है, तो बच्चों ये सब कॉर्पोरेशन स्टेट की डेफिनेशन में कवर होगी। प्लीज केस का नाम और ये सारे पॉइंट याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आर्टिकल 12 होता है हमारा ओवर, आर्टिकल 13 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 13 बोलता है कि सारे के सारे लॉ बच्चों एक्चुअल में फंडामेंटल ड्यूटीज कब आया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब हमने ना इम्प्लीमेंट किया था, 1950 से हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है। तो 1915 से पहले भी कुछ लॉ बन चुके थे, जो 1915 से पहले लॉ बन चुके थे उन्हें हम बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, जो 1950 के बाद बने उन्हें हम बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इन्होंने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज तो आए भैया 1915 में, हमने कहा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स जो हैं वो हमेशा सुप्रीम रहेंगे। कोई भी लॉ है ना अगर बनाया जा रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखकर बनाए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई लॉ नहीं बनना चाहिए जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज हमसे फंडामेंटल ड्यूटीज में बच्चों राइट गलती से ठीक है फंडामेंटल राइट हमसे अगर छीने जा रहे हैं ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया पुराने जो लॉ थे ना वो बन चुके हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि भैया कोई फंडामेंटल राइट भविष्य में आएंगे। तो अगर उन्होंने बन गए हैं तो उन्होंने बोल दिया ऐसे लॉ को हम बोल देंगे वॉइड एब इनिशियो, उसको हम बोल देंगे बच्चों वॉइड है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या हो जाएंगे, वॉइड ऑल दी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर ऐसे कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बने जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो हो जाएंगे वॉइड, वो हो जाएंगे बच्चों वॉइड। ठीक है, लेकिन ये वॉइड कब हुए, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो ये वॉइड एब इनिशियो नहीं है, स्टार्टिंग से गलत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया कब आया, 1950 में आए, तो फंडामेंटल राइट्स भी 1950 में आए, तो ये एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, एब इनिशियो मतलब क्या था, स्टार्टिंग से, तो ये स्टार्टिंग से गलत नहीं थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से गलत थे। इन्होंने कहा
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बाद में बने, क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, फंडामेंटल राइट्स आ चुके थे, तो हमें अब ऐसा कोई कानून नहीं बनाना जो फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। पहले तो हम ट्राई करेंगे नहीं बनाए, लेकिन अगर गलती से बन जाता है तो हमें क्या करना है बच्चों, गलती से बन जाता है तो हमें हमें ऐसे ऐसे बने हुए लॉ को हम बोल देंगे वॉइड है, और वो वॉइड एब इनिशियो कहलाएंगे। हिट करते स्टेट प्रोहिबिट करता है मेकिंग ऐसे भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी, ऐसे लॉ बनाने से स्टेट मना करता है, लेकिन अगर कोई बनाता है तो वो वॉइड हो गए और वो वॉइड एब इनिशियो होंगे। तो ये था हमारा 13, ठीक है। चलिए अब 13 में और डिटेल लेंगे। इन्होंने कहा 13 में इतने केसेस हुए ना बच्चों, इतने केसेस हुए कि क्या बताएं। तो उन्होंने ना सरकार ने हमारे सॉरी जजेस ने क्या बोला कि क्योंकि इतने सारे केसेस आ रहे तो हम इसमें डॉक्ट्रिन्स बनाते, तो यहाँ से बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स निकले, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही डॉक्ट्रिन्स है। आज ये वन बाय वन पढ़े। डॉक्ट्रिन ऑफ द सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी बोलता है क्या सेपरेट कर सकते हैं, अगर कोई लॉ बन चुका है फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है ना, अगेंस्ट कोई लॉ बन चुका है, तो पहले हम उस लॉ को देखेंगे क्या वो लॉ सेपरेट हो सकता है। अगर वो लॉ सेपरेट हो सकता है ना, तो उन्होंने कहा जो उसका सही वाला पोर्शन है ओनली वैलिड पार्ट विल सर्वाइव, फिर हम देखेंगे क्या वो सर्वाइव हो सकता है, अकेले सर्वाइव हो सकता है तो उसे रखेंगे, बाकी एंटायर है ना बाकी लॉ को हटा देंगे। लेकिन अगर वो अकेला सिंगल सर्वाइव नहीं कर सकता है तो पूरे लॉ को हम इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे। सेवरेबिलिटी क्या बोलता है, एक लॉ है ये, बस समझ लो बच्चों एक एप्पल की तरह, आपका ये एक एप्पल है जो कि इतना खराब हो चुका है, इतना हमारा खराब है और इतना हमारा अच्छा पोर्शन है। इन्होंने कहा अच्छा वाला पोर्शन कट करके देखते हैं, खा सकते हैं, खा सकते हैं तो खा लो है ना। अच्छा वाला पोर्शन कट करके देखा कि अंदर से भी वो खराब है, अगर वो अंदर से भी खराब है तो पूरा का पूरा एप्पल सड़ा घोषित कर देंगे और खराब घोषित कर देंगे। तो सेम बच्चों कोई एक लॉ है, आधा है ना क्या है वैलिड है और आधा क्या है बच्चों वॉइड है। इन्होंने कहा क्या ये वैलिड सिंगल सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, अगर उसको अलग करेंगे सर्वाइव कर सकता है, तो आधा सही आधा गलत। लेकिन अगर अगर ये वॉइड वाला पोर्शन हटाने के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो पूरा का पूरा हम बोल देंगे वॉइड है। ये था हमारा क्या डॉक्ट्रिन ऑफ द सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ द एक्लिप्स क्या बोलता है, एक्लिप्स बोलता है मतलब ग्रहण लग जाना, ग्रहण लग जाना कैसा ग्रहण। उन्होंने कहा ये एक लॉ बना, ये एक लॉ बना, ठीक है। अब ये लॉ है ना, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स आता है, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स आता है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब ये खत्म नहीं किया है बच्चों, खत्म नहीं किया। इन्होंने कहा है कि लॉ में लिखी बातों को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे फंडामेंटल राइट्स के, अगर वो इनकंसिस्टेंट है हम अपने राइट्स को मानेंगे, ठीक है। ये अभी इनएक्टिव है, भविष्य में कभी भी एक्टिव हो सकता है, अगर अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो वो एक्टिव होगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव रहेगा। देन बच्चों नेक्स्ट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ द बिहेवियर। इन्होंने बोल दिया वेव करना मतलब गिव अप करना, इट इज नॉट ओपन टू सिटीजन, सिटीजन को कोई अधिकार नहीं दे रखा है कि भैया आप अपने फंडामेंटल राइट्स वेव करो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, वैसे ही आपको एब्सोल्यूट नहीं मिले, जब चाहे वहां आपसे छीन सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया आप जो भी कर रहे हो हमें आपको वेव करने का कोई अधिकार नहीं है, क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा आर्टिकल 13 जो कि खत्म होता है। फिर हमने पढ़े बहुत टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते, वो जो टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं बच्चों, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल में बच्चों मैंने यहाँ पे है ना समरी में, जब हम यहाँ शॉर्ट में रिविजन करें, बहुत डिटेल में नहीं समझा है क्योंकि हम ऑब्वियसली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जनरल ओवरव्यू हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहला हमारा है राइट टू इक्वालिटी, वर्ड से समझ में आ रहा है सब बराबर, इक्वालिटी मतलब लॉ की नजरों में सब बराबर है। सबसे पहला यहाँ पे 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल की बात हो रही है। 14 बोलता है आप लॉ की नजरों में बराबर हो, आपको है ना लॉ की नजरों में प्रोटेक्शन भी बराबर मिलेगा, कोई भी अपनी पोजीशन का रैंक का फायदा नहीं उठा सकता। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी कोविड ही चल रहा था, वैक्सीनेशन था, तो बच्चों कायदे से प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है ना तुरंत क्या लगा लेंगे, वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी थोड़ा सा रुके, ठीक है। उन्होंने कहा लॉ की नजरों में सब बराबर है, रैंक का फायदा कोई नहीं उठाने वाला, जब नंबर आएगा तभी काम होगा, ठीक है। अगर अगर मैंने मर्डर किया और एक नेता ने मर्डर किया तो भैया नेता को भी पनिशमेंट मिलेगी फांसी की, मुझे भी मिलेगी, तो कोई भी अपने रैंक का फायदा उठा नहीं सकता, तो लॉ की नजरों में सब बराबर है। 15 बोलते हैं प्रोहिबिशन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने कुछ 5 एरियाज पढ़े थे बच्चों, हमने पढ़ा था रिलीजन, कास्ट, सेक्स है ना, हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था कोई भी भेदभाव नहीं करेगा इन सारी चीजों को लेकर। बच्चों ये सारी चीजों के हमने जनरल रूल पढ़े थे विद एक्सेप्शन पढ़े थे, यस बच्चों सबके एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है।
देन आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ द पब्लिक. कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट अगर जॉब की बात होती है, उस गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. मतलब कि अगर एमपी में कोई भर्ती निकली है, कोई भी आकर इसे है ना भर सकता है. लेकिन ये सब कॉज बच्चों इसके एक्सेप्शन हमने पढ़े थे. एक्सेप्शन ये था कि भैया अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एमपी की भर्ती निकलती है और एमपी बोलता है कि नहीं हम अपने एमपी के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो वो दे सकते हैं क्योंकि उसके पीछे जेन्युइन रीजन है. जेन्युइन रीजन ये है साउथ इंडियन को देंगे तो भैया वो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा. ठीक है, चल फिर क्या था इक्वालिटी में बच्चों, अनटचेबिलिटी एबॉलिश करना. अभी तो फिलहाल नहीं एबॉलिश कर सकते, अभी तो भैया है ना छुआ छाती रखो तो ज्यादा बेटर है. देन एबॉलिश ऑफ द टाइटल, ये था राइट टू इक्वालिटी. बच्चों मुझे बताओ डिटेल में जाना है क्या बच्चों? मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन स्टिल है तो बताओ. अमिता बोल. दीदी बस ये बता दीजिए ना कि जैसे इसमें मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब हम लोग को सारे लिखने क्वेश्चन पड़ कैसा जाएंगे? आएगा? नहीं नहीं कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं आता. मैं तुम्हें है ना क्वेश्चन की बात करूं तो एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसमें आपको पूरा प्रोविजन समझाना पड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल है ना, आपको एक केस ही दे दिया. मैंने केस दे दिया यही वाला कि भैया गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली थी पुलिस की, ठीक है. पुलिस वाले कहते सरकार ने एक कंडीशन रखी. कंडीशन क्या रखी कि भैया हम प्रेफरेंस उसको देंगे जो लोकलाइट है, जो एमपी का लोकलाइट है, ठीक है. तो मिस्टर दिस पर्सन है जो दूसरे एरिया को बिलोंग करता है, उसने केस कर दिया. आप बताइए क्या उसका जो केस करना है वो जेन्युइन है कि नहीं? बता सार्थक, जेन्युइन है कि नहीं पहले तो ये बता. दी जेन्युइन नहीं है बिकॉज एमपी की मतलब वैकेंसी है तो. वेरी गुड, जेन्युइन नहीं है, आंसर सही है. कंक्लूजन अब लिखेंगे कैसे? ठीक है तुम बोल रहे हो जेन्युइन मतलब वो केस जीत जाएगा कि हार जाएगा, वो बाहर का बंदा हार जाएगा मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होगा. हार जाएगा है ना, तो कंक्लूजन एकदम सही. लेकिन अब हम इसे लिखे कैसे? कंक्लूजन तो हम लिख लेंगे कि हाँ सामने वाला पर्सन हार जाएगा. प्रोविजन में लिखोगे आर्टिकल, आर्टिकल 16 ऐसा लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे आर्टिकल 16 जो बता रहे. लिखना पड़ेगा भैया, हमारा आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी जेंडर रूल, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, ये हम लिखेंगे. लेकिन इसके एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि भैया देखो एससी एससी को मौका मिलता है, एसटी एससी को मौका मिलता है, ओबीसी को मौका मिलता है. ये पॉइंट्स पढ़े थे हमने बच्चों. फिर हमने पढ़ा था कि कोई रीजनेबल बेसिस में क्लासिफिकेशन, मतलब आपको वो एक्सेप्शन बताना है और फिर बताना है इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ये जो बंदा है वो केस हार जाएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर है सार्थक? क्लियर है बेटा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है. हो सके तो मैं एकाध. हाँ बेटा बोल. दीदी वो जो अभी अपन लोगों ने आईपीसी के पढ़े थे फ्रॉड वाले, वो भी ऐसी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे? हाँ हाँ बेटा, एक्चुअल में सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ये जो चैप्टर्स है ना केसेस बेस में आते हैं. लेकिन स्टिल बच्चों आपके जो केसेस की मैं बात कर रही हूँ केसेस में इतना नहीं होता है. आपका जो जीआईजीएल है उसमें 20-30% ही केस आते हैं, अदरवाइज 70% है ना सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं. जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. लेकिन हाँ केसेस आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में केस आ सकता है, आईपीसी में आ सकता है, सीआरपीसी आईपीसी में सीपीसी में आ सकता है. इसके अलावा कहीं और तो केसेस आते नहीं है, छोटे मोटे आगे तो आगे नहीं तो नहीं. ठीक है आप टेक्समैन एक आध में क्वेश्चन दिखाई दू तुम लोग को, सेकंड तो इम्पोर्टेंट है ही. देखो डायरेक्ट ऐसे इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मतलब पूछा सिंपल ही है टू व्हाट एक्सटेंट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफर फ्रॉम द फेडरल सिस्टम ऑफ अदर कंट्री. दूसरे जो फेडरल सिस्टम से बाकी कंट्रीज के हम वहां से अलग कैसे हैं? कुछ नहीं, अपना फेडरल बताना, अपना यूनिटरी बताना, खत्म. ठीक है बताना वही है. जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन स्टेट, ये ठीक है. मैं आपको बच्चों किसमें लेकर आ रही हूँ ऐसे क्वेश्चन, ये व्हाट इज द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू व्हाट एक्सटेंड द करेक्ट टू से दैट 14 फॉरबिड द क्लासिफिकेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन. ये पढ़ा था बच्चों हमने, बताओ बताओ पढ़ा था हमने. आर्टिकल 14 क्या करता है? क्लासिफिकेशन बट डज नॉट फॉरबिड द क्लासिफिकेशन, क्लास लेजिस्लेशन करता है. लेकिन नहीं याद आया कुछ? हमने पढ़ा था रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यस और नो? पढ़ा था टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन, भूल गए क्या? यस पॉइंट देना. वेरी गुड. ठीक है तो बस केसेस ऐसे ही आते हैं. बस मैं एक बार दिखा दूं जिसमें ऐसे दे नहीं रखा है, ये वाला
डायरेक्ट यहाँ दे रखा है बच्चों, है ना, इन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। जैसे कि देखो रीड करियो, अक्षय वॉज डिनाइड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। अक्षय को मना कर दिया, क्या बोलकर मना कर दिया कि भैया आपका प्लेस ऑफ बर्थ है ना कहीं और हुआ है इसीलिए। डिस्कस द रेमेडी अवेलेबल। अब मुझे बताओ क्या अक्षय को रेमेडी मिलेगी, बताए बताए। प्रोटेक्शन, मतलब वो केस कर रहा है, इसको रेमेडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? साथ साथ एक बार अच्छे से क्वेश्चन रीड कर। अक्षय को ये बोलकर मना कर दिया कि भैया आपका मिलेगी रेमेडी मिलेगी, है ना। हमने आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अलावा कोई और रीजन के कारण नहीं मना कर सकते, ठीक है। ये जेन्युइन रीजन नहीं है कि भैया आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ इसलिए हम मना कर रहे हैं, ये रीजन नहीं होगा। ये बोलकर बोल देते कि भैया जेन्युइन रीजन कि भैया हाँ आप लैंग्वेज एंड नॉलेज सबके बैरियर्स आएंगे तो, लेकिन यहाँ तो मना ही उसने क्या कर दिया, प्लेस ऑफ, ठीक है। तो ऐसे केसेस पूछे जा सकते हैं। चलिए दीदी, ये इसीलिए बोला गया ना क्योंकि वो उसी स्टेट में मांग रहा है, अगर वो कोई और स्टेट में मांग रहा होता तो फिर तब रेमेडी नहीं मिलती। लेकिन उसमें आर्टिकल 16 अभी जो हमने क्लास लेजिस्लेशन क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, उसी में हमने पढ़ा था बच्चों, याद करो हमने आर्टिकल 14 के डिटेलिंग में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन अलाउड है, क्लासिफिकेशन अलाउड है अगर जेन्युइन रीजन देते हो तो। याद आया क्लासिफिकेशन वाले में, है ना, ठीक है। तो हो सके तो आर्टिकल नंबर दोगे, इस चैप्टर में आर्टिकल नंबर की इंपॉर्टेंस है, ये मैंने क्लास में भी बताया था, तो हो सके तो दे देना, ठीक है। नहीं बनता है तो गलत मत लिख के आना, कंफ्यूजन है तो गलत मत लिखना, ठीक है। चलिए बट देन उसके बाद 19 से 22, ठीक है। 19 से 22 क्या है बच्चों, 14 से 18 इक्वालिटी की बात करता है। वो बोल रहे हैं 19 से 22 किसकी बात करता है, फ्रीडम की। 19, 20, 21, 22 बहुत सारे इसमें लिखते हैं। 19 बोलता है भैया फ्रीडम है, 19 बोलता है बहुत सारी फ्रीडम्स है। कितनी फ्रीडम्स है बच्चों, बहुत सारी फ्रीडम्स है। पहला ये बोल रहे हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप खुलकर कुछ भी बोल सकते हो, आप असेंबली बना सकते हो पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से असेंबल हो सकते हो, लेकिन आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, है ना, आप फ्री हो, आप अपना यूनियन एसोसिएशन बना सकते हो। फ्रीली थ्रू आउट इंडिया मूव हो सकते हो, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो बच्चों, फ्रीडम है, कहीं भी रह सकते हो, घर बसा सकते हो, फ्रीडम है, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। ये है 19 बच्चों। वापस से हम पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से लेके 22 की बात करेगा। 19 में ही बहुत सारी फ्रीडम्स है, जितनी है बच्चों कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 फ्रीडम इसमें। जब हमने ये पढ़ा था बच्चों, इसके जनरल रूल विद एक्सेप्शन था। जनरल रूल क्या था, बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, आप हमारी, है ना, कुछ भी बोल सकते, वेरी गुड, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन किसी का नहीं कर सकते, है ना, मोरालिटी का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। सेम सेकंड, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। लेकिन बच्चों जब लॉकडाउन ही बोल रखा है कि लॉकडाउन है, कोई बाहर खड़ा नहीं देगा, तो खड़े रह सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट से पुलिस दो डंडे मारेगी, ठीक है। तो यस, जनरल रूल के साथ सबके एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है, फ्रीडम एसोसिएशन यूनियन बनाने के, भैया आप फ्री हो, देन इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, भैया घूम सकते हो, लेकिन कर्फ्यू के टाइम पे घूम सकते हो क्या, नहीं। आपको एक ऐसा एरिया जहां पे आप वहां जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों भी जम्मू कश्मीर में जाने से मना कर रखा है लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी वहां पे जम्मू कश्मीर का मैटर अभी थोड़ा सा सेंसिटिव चल रहा है। तो भैया अगर कहीं जाने से कहीं के लोगों को प्रॉब्लम होती है तो यस, आपको रोक दिया जाएगा। इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कुछ ऐसे एरिया में आप जा रहे हो जिनको प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जहां कुछ भी दिक्कत होगी आपसे आपके राइट छीनेंगे। मतलब कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम आपके पास कंप्लीट नहीं है। हम आपको बेशक राइट दे रहे हैं कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन बच्चों समय समय पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ये हमारा सरकार बोलते हैं, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर मैं ये कह रही हूँ कि बिना सीएस की डिग्री लिए क्या सीएस का काम कर सकते हो, बिना डॉक्टर की डिग्री लिए क्या किसी को ऑपरेशन कर सकते हो, जनरल रूल आप फ्री हो कोई भी बिजनेस करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि सरकार ने बोल दिया है ना कि भैया क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सेप्शन। अगर सरकार ने बोल दिया कि भैया रेलवे की हमारी मोनोपोली है, तो आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट है भैया, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हम रेलवे अपनी चलाएंगे, तो भैया नहीं, सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो यस, हर जनरल रूल के एक्सेप्शन है डिटेल में, यस सब एक्ट है बच्चों। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19। ऐसे बच्चों 20, 21, 22 पढ़ेंगे। चलिए तो राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, 19 हमने पढ़ लिया, अब आ जाइए 20 पढ़ते हैं।
20 बोलता है भैया हमारे अंदर तीन चीजें हैं, हमारे अंदर तीन चीजें, जैसे 19 के अंदर छह चीजें थी वैसे 20 के अंदर तीन चीजें। क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टर लॉ। ये क्या बोलता है? एक्सपोज फैक्टर लॉ। बच्चों अगर कोई भी चीज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है, व्हाट डू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिवली? बताओ बताओ, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुराने उस लॉ के हिसाब से पुराने। आज वेरी गुड, वेरी गुड। आज लॉ बना है और हमने बोले एक साल पहले से लगेगा कि ऐसा होता है। हाँ ऐसे कुछ लॉज होते हैं, इन्होंने कहा तो ऐसे तो भैया दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। प्रोटेक्शन उन्होंने बोला अगर ऐसे कोई लॉ बनते हैं पुराने पास में जाके उन्होंने लगाया जाता है तो उनको बोलते हैं भैया हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था क्रिमिनल मैटर्स को लेके, मैंने कोई गलत काम किया था पिछले साल, ठीक है भैया उस टाइम पे लॉ नहीं बना था, अब लॉ नहीं बना था तो भैया अब लॉ बन गया है तो बोल रहे कि भैया पिछले साल किस किसने जो गलत काम किया था उन पर लगेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। क्या मुझे जेल भेज सकते हैं? नहीं, मुझे मेरा ये फंडामेंटल राइट है, मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पनिशमेंट। मैंने कोई गलत काम किया था जिसमें पहले 10,000 की पनिशमेंट थी, है ना, मुझे 10,000 फाइन लगने ही वाला था, तुरंत लॉ बदल गया और उन्होंने बोला एक साल पहले के सबको लग जाएगा, तो भैया 50,000 कर दिया, क्या मुझसे ज्यादा मांगेंगे? नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने कहा दो टाइप के मैटर होते, एक होता है क्रिमिनल मैटर, एक होता है सिविल मैटर। सिविल मैटर में प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, क्रिमिनल मैटर में प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में सीवियर प्रॉब्लम्स होती है इसलिए वहां पे प्रोटेक्शन मिलेगा, सिविल में नहीं मिलेगा। सिविल मैटर में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, जो भी आपने लॉ पढ़ा है जहां कहीं भी लिखा है ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली दैट मींस वो सिविल मैटर की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो बताओ बच्चा। हाँ यस मैम। चलिए नेक्स्ट, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। कैसा प्रोटेक्शन मिलता है? डबल जियोपार्डिया। बच्चों याद करो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 सीपीसी का, क्या बोलता है सेक्शन 10 और 11 सीपीसी का? पढ़ चुके हैं कल ही, सीपीसी का ही पढ़ा था कि सीआरपीसी का? मेरे ख्याल से सीआरपीसी का था। कुछ याद आ रहा है? रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडाइस, कुछ याद आ रहा है? रेस सब जुडाइस क्या बोलते हैं? वेरी गुड। पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या बोल रखा है भैया? एक बार केस डिसाइड होगा मुझे पनिशमेंट एक ही बार मिलेगी, ये बार बार नहीं मिलेगी। वेरी गुड। तो प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट डबल जियोपार्डिया। डबल जियोपार्डिया मतलब डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इससे ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे बचा लेना। देन बच्चों नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए। तो प्रोटेक्शन मेरे पास पूरा राइट है, मैं लॉयर को बुलाऊं उसको बातें करूं फिर जाके हम गवाही दें। ठीक है, तो ये फ्रीडम्स है। हमें पुराना टाइम पे जाके लॉ नहीं लगाया जाएगा, हमें एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी और हमें हमारे लिए ही फोर्स नहीं किया जा सकता गवाही देने के लिए। तो ये था आर्टिकल 20। चलिए बच्चों 21 बोलता है प्रोटेक्शन मिलेगी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। बच्चों इसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे अगर याद होगा। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ क्या बोलता है कि लाइफ को लेकर बहुत सारे है ना मीनिंग्स थे कि भैया जिसको अपनी लाइफ को फ्रीली तरीके से एंजॉय करना है वो एंजॉय कर सकता है, उससे उसका कोई भी इंटरेस्ट छीना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पेरेंट्स अगर बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है कर सकता है, कोई भी उनसे उनका यह हक नहीं छीन सकता। इवन पर्सनल लिबर्टी है, जैसे आपको फ्री रहना है। तो ये आर्टिकल 21 बोलता है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जैसे जीना जीने आपको फ्रीडम है। बच्चों 21A अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ए फॉर अमेंडमेंट। 21 तो याद रहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A प्लीज याद रखना, ये राइट टू एजुकेशन को लेकर नया आया था। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये अमेंडमेंट 2002 में आया। ये साफ साफ बोलता है 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चे, इनको हमारी सरकार फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे रही है। तो प्लीज इसे याद रखना, ये छोटी सी चीज है, भूली जा सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, 14 से स्टार्ट किया था, 21 तक पहुंच चुके। नेक्स्ट आर्टिकल 22, हेडिंग क्या लिखा है? राइट अगेंस्ट, अगर किसी बंदे को इल्लीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया है, किसी को है ना प्रिवेंटिव डिटेन करके रखा है, तो इनके पास भी क्या है बच्चों? राइट्स है। ठीक है,
यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपके पास फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम है। अगर आपको कोई भी अरेस्ट कर रहा है, डिटेन करके रखा है, जेल में डाल दिया है, तो आपके पास आपके राइट है। लेकिन ये राइट किस पे नहीं लगेंगे बच्चों, याद करो, एलियन एनिमी। कौन होता है एलियन एनिमी बताइए? दूसरी कंट्री का, जब तक अगर जब वॉर हो जाती तो एलियन एनिमी का नाम रखते हैं, तो एलियन रहता जब तक। वेरी गुड, है ना। फ्रेंडशिप चल रही है तो भैया एलियन फ्रेंड हो जाएगा, है ना। झगड़ा कर लिया तो भैया एलियन एनिमी हो गया। चाइना पहले दोस्त था, अब हमारा एलियन एनिमी बन के घूम रहा है। ठीक है, चलो। तो नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई, ठीक है। यूनिफॉर्मली टू ऑल दी पर्सन, इन्होंने कहा है भैया हम फ्रीडम दे रहे हैं, किसी को भी जेल में डाल दिया इलीगल तरीके से, तो हम आपको बहुत सारे प्रोटेक्शन दें। लेकिन ये प्रोटेक्शन ना, जो ये लोग हैं ना, इनके लिए थोड़े से अलग अलग है, मेक डिफरेंस। हमने बोल दिया एलियन एनिमी को तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया पर्सन अरेस्ट या डिटेन अदर देन प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलग है और नॉर्मल पर्सन के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। इन्होंने कहा कि अगर ऐसे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपके पास पूरे मौके हैं, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाएगा, आपको रीजन बताया जाएगा, आपको क्यों जेल में डाला है, तो ये सारे प्रोटेक्शन है, आपके राइट है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों पुलिस ऑफिसर से। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो बताइए? मतलब टोटली मना है। ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब स्मगलिंग कर रहे हो, सेल परचेस कर रहे हो ह्यूमन बींग का, इंसानों को खरीद बेच कर रहे हो, मतलब गलत काम कर रहे हो। फोर्स लेबर, फोर्स कर रहे हो, है ना, लेबर का खरीद बेच कर रहे हो, मतलब आप काम कराने के लिए बच्चों को, बच्चों जैसे है ना अक्सर चोरी कर लिया जाता है, बेचा जा रहा है, लड़कियों को बेचा जाता है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। अगर ये करते हुए पाए जाते तो ऑब्वियसली हम मानेंगे आपने उसके फंडामेंटल राइट्स छीने हैं, आपको कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को आप काम नहीं करा सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 24 बोलता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, 25 से 28 डिटेल में हमने पढ़ा था रिलीजन को लेकर। हमने क्या पढ़ा था, हमें हमारा बच्चों हमारी सरकार का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमारी सरकार का कोई रिलेशन नहीं है, हमारी सरकार न्यूट्रल रहती है, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना करो। अब सारे रिलीजन वाले लोगों को बोल दिया आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीदो, आपका अपना मंदिर बनाना है, बनाइए, आपको अपने अफेयर्स मैनेजमेंट को खुद मैनेज करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको लेके जो करना चाहते करो। तो 25 से लेके 28 साफ बोलता है जिस रिलीजन में आपको अपनी आस्था दिखाना है आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट बच्चों 29-30 क्या बोलता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन्होंने बोल दिया आप अपने कल्चर को, आप कोई भी रिलीजन मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर आपको अपने कल्चर को लेकर जो प्रमोशन करना है करो। माइनॉरिटी के लोगों को बोल दिया कि भैया गिनती के, जैसे बच्चों जैन हो गए, हिंदू, इंडिया में हिंदू बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है, मुस्लिम है ना कम, देन और जैसे जैन, सिंधी, ये सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो इन्होंने बोल दिया, जैसे पंजाबीज हैं, तो सब अपने कल्चर को लेके, मराठी हो गए, तो ऐसे लैंग्वेज भी अलग अलग है, बंगालीज हो गए, तो इनको अपने कल्चर को बचाने के लिए जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खुद के स्कूल्स बनाना चाहते हैं, उसके रिगार्ड में एजुकेशन देना चाहते हैं, जो करना है करिए, लेकिन सरकारी स्कूल्स में ये सारी चीजें नहीं होंगी। सरकारी स्कूल में तो भैया नॉर्मल कॉमन जनरल चीजें बताई जाएंगी, आप अपने स्कूल्स बनाए, जैसे मुस्लिम अपने स्कूल बनाते हैं, उर्दू वो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, मराठी वहां पे सीखी जाती है। तो यहाँ पे साफ बोल रखा है आपको जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल वगैरह उनमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो बताओ बच्चों? हाँ यस सर। चलिए आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अभी तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े, ये फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे कोई भी छीनता है तो आर्टिकल 32 बोलता है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ना इधर देखिए ना उधर देखिए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट करिए कि रिट्स पास करो। व्हाट डू यू मीन बाय रिट्स? रिट्स एक ऑर्डर होता है, रिट्स का सिंपल मीनिंग ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रिट ऑर्डर पास करिए, रिट ऑर्डर पास करिए। कौन सा रिट ऑर्डर? हेबियस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोरंटो, सेरिटरी, ये रिट आप पास करिए। इसमें बच्चों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, एक मिनट, सीधा रिट्स में आते हैं, रिट्स आगे आएगा वैसे। तो व्हाट डू मीन बाय रिट? इन्होंने कहा हमारे पास दो टाइप के रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। बच्चों आर्टिकल 32 तो बोलता है मैं सुप्रीम कोर्ट वाला हूँ, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी आप जा सकते हो रिट पिटीशन के लिए। 226 दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलता है इशू करता है, ये बोलता है भैया हाई कोर्ट इशू करता है। ठीक है, यहाँ पर
फंडामेंटल राइट्स को लेकर ये इशू करता है, ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स भी और इसके अलावा मैं दूसरे मैटर्स में भी पास कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल 32 में आता है, 226 में आता है। अब बच्चों रिट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वही जो अभी हमने देखा ना। अब इसमें डिटेलिंग नहीं दी है लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है, किसी को भी इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिए तो वो जाकर कंप्लेन कर सकता है, या तो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा कि भैया पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन कोर्ट के पास जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसे इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करेगा पुलिस ऑफिसर से, रीजन बताओ क्यों आपने इसे जेल में डाला। अगर जेन्युइन रीजन होगा तो भैया वो जेल में रहेगा, अगर पुलिस ऑफिसर ने गलत काम किया है तो उसको छोड़ देगा। फिर बच्चों होता है मैंडमस, मैंडमस मतलब कमांड देना, मैंडमस मतलब कमांड देना। अगर कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो मैंडमस पास किया जाता है, मतलब कमांड दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कमांड देगा आप अपना काम अच्छे से करो। बच्चों सेरिटोरी और प्रोहिबिशन अक्सर साथ में पढ़े जाते हैं, ये बोलता है दो। बच्चों हम गए हैं लोअर कोर्ट के पास, ठीक है। अगर हम लोअर कोर्ट के पास गए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इस लोअर कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था तो केस अभी पेंडिंग है, चल रहा है। अगर केस का भी डिसीजन नहीं आया है और हमें पता चल जाता है ज्यूरिडिक्शन नहीं था तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे भैया इस केस को रोको, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर हमारा केस लोअर कोर्ट के पास चल रहा था और डिसाइडेड हो गया, मतलब डिसीजन आ गया, हमें बाद में पता चलता है कि भैया इसके पास तो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया इस केस के डिसीजन को बदलो। हम बोल रहे हैं अगर केस चल रहा है तो हम बोल रहे हैं केस को रोको, डिसाइड हो चुका है तो हम बोल रहे हैं हमारे केस का डिसीजन चेंज करो। तो बच्चों यही है, ठीक है, वापस आ रहे बच्चों। तो ये सेरेटरी क्या बोलता है और प्रोहिबिशन बोलता है केस चल रहा है रोक दो, स्टॉप करो। सेरेटरी बोल रहा है केस डिसाइड हो गया है तो चेंज करो, ठीक है। और लास्ट को और उनको क्या बोलता है, ये रिट्स बोलता है कि भैया अगर कोई किसी पब्लिक अथॉरिटी में, मैं आईएएस ऑफिसर है ना बनने का झूठा एक्टिंग कर रही हूँ जो कि मैं हूँ नहीं, मैं किसी पब्लिक ऑफिस में बैठी हूँ जो मैं हूँ नहीं, किसी को भी डाउट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा, कंप्लेन करेगा कि इस बंदे से पूछो आपकी अथॉरिटी है क्या इस ऑफिस में बैठने की, और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि ये बंदा सच में आईएएस ऑफिसर है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे वो पब्लिक ऑफिस खाली करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग टाइप के रिट्स होते हैं बच्चों, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट क्या, बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, यस या नो? नहीं दीदी। चलिए तो बच्चों आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी अभी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए टाटा बाय बच्चों लोग, बाय बच्चा, बाय बाय।